हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी लर्न अबाउट नाउन, प्रीपोजिशन एंड नाउन। आज मैं आपको थर्ड डे में आपको मैं आज बताऊंगी नाउन और प्रीपोजिशन और नाउन से रिलेटेड सिंगुलर और प्लूरल वर्ड। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ड। ठीक है भाई, तो वहीं पे यहाँ पे चैप्टर डालते हैं हम अपना नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। ठीक है भाई, नाउन प्रीपोजिशन नाउन से रिलेटेड कुछ प्लूरल वर्ड। ठीक है भाई, से रिलेटेड कुछ प्लूरल वर्ड। ठीक है, जब दो नाउन अलग अलग रूप से होती हैं, तो उसमें हमारे नाउन वन में हम मेन वर्ड में क्या कर देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते है। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, जब दोनों नाउन अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं, नाउन के वन में हम मेन वर्ड में क्या कर देते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो नाउन वन के हम किसमें, नाउन वन के हम जो हमारे मेन वर्ड थे ना, मेन वर्ड्स में क्या कर देते हैं, मेन वर्ड्स में एस या ES जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एस या ई एस को जोड़ देते हैं, देते हैं। ठीक है, जब दोनों नाउन अलग अलग होते हैं और उसमें हम नाउन वन में क्या कर देते हैं, नाउन वन में हम मेन वर्ड्स में एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, मेन वर्ड्स में एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो हमारे क्या बनते हैं, सिंगुलर से प्लूरल नाउन बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो हम वही देखते हैं एग्जाम्पल में। मैंने लिखा एग्जाम्पल, अच्छे तरीके से समझना है आपको। मैंने लिखा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है भाई, क्या लिखा मैंने, मदर इन लॉ। ये हमारा क्या है, नाउन, नाउन का वन है, एंड ये हमारा क्या है, मेन वर्ड है। क्या है, मेन वर्ड है, तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे। अब भाई हम कहाँ जोड़ेंगे एस या ई एस, मदर में जोड़ेंगे, इन में जोड़ेंगे, या लॉ में जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे नाउन वन के मेन वर्ड में। किसमें, नाउन वन के मेन वर्ड में जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से, मदर हमारा क्या है, मेन वर्ड है। क्या है, मदर हमारा मेन वर्ड है। क्या है, मदर हमारा क्या है, मेन वर्ड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे। तो मदर्स, मदर की जगह क्या हो जाएगा, मदर्स, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखी, फिर आपको एक एग्जाम्पल समझाया, ऐसे हम आपको कई सारे एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने भाई, मैंने लिखा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो हमारा नाउन का जो मेन वर्ड है क्या है, नाउन का जो मेन वर्ड है हमारा है फादर। क्या है, फादर। तो एस या ई एस हमारा इसी में जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। ठीक है भाई, मदर इन लॉ को हमने, वो फादर इन लॉ को हमने क्या किया, फादर्स इन लॉ, एंड मदर इन लॉ को हमने क्या किया, मदर्स इन लॉ। एक दो एग्जांपल और बता रहे हैं हम आपको, ढंग से समझने आपको। मैंने लिखा ब्रदर
इन लॉ, क्या लिखा मैंने, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है भाई। अब सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी, क्योंकि हमारा इसमें नाउन का जो मेन वर्ड है वो है ब्रदर, क्या है ब्रदर, भाई, क्या है ब्रदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर, ब्रदर्स इन लॉ। आई होप आपको इतने एग्जाम्पल दिए आपको समझ में आए होंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर इन लॉ, ठीक है भाई। नाउन का मेन वर्ड जो होता है उसी में एस सी आई एस जुड़ता है, इसमें भी हमारा सिस्टर क्या है, नाउन का मेन वर्ड है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिस्टर की जगह पे एस सी आई एस लगाना है हमको, तो हम करेंगे सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है भाई, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। आपको जो तरीके से समझ में आ रहा होगा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, ताकि हम आपको आगे बता दें। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम अब आपको बताएंगे, ये हमने बताया आपको सिंगुलर से हमने प्लूरल में चेंज करना बताया नाउन के मेन वर्ड को। अब हम आपको बताएंगे, हम आपको क्या बताएंगे कि प्लूरल से हमें सिंगुलर में चेंज करना है, किसमें करना है, प्लूरल से हमें सिंगुलर में चेंज करना है, तो यहां देखते हैं हम फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। मैंने लिखा, मैंने सिंगुलर में मैंने प्लूरल में लिखा, पहले हमारा प्लूरल आएगा एंड बाद में देन हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा पीपल, पीपल मतलब एक से अधिक लोग, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को हम कहेंगे पीपल, क्या बोलेंगे, पीपल। एंड इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका सिंगुलर होगा पर्सन। जब एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति आए तो हमने पीपल बनाया, तो वो हमारा ऑलरेडी हमें समझ आ रहा है, एक से अधिक है तो वह बहुवचन है, एंड एक की बात हो रही है तो वह एक वचन है। तो मैं अब आपको यहाँ पे वही बताने वाली हूँ, पहले लिखते हैं प्लूरल, प्लूरल, एंड देन यहाँ लिखते हैं सिंगुलर, मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया पीपल, प्यूपल, ठीक है, प्यूपल, प्यूपल माने होते हैं लोग, क्या होते हैं भाई, प्यूपल माने क्या होते हैं, प्यूपल माने होते हैं हमारे लोग। अब जब बहुत, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे से तीसरा आया, तो वे हमारे क्या हो गए, पीपल हो गए। एंड जब हम इसको सिंगुलर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा पर्सन, क्या आ जाएगा, पर्सन, पर्सन माने होता है भाई हमारा व्यक्ति, ठीक है भाई, पर्सन माने होता है हमारा व्यक्ति। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, हमने लिखा पीपल, पीपल का हो गया पर्सन, एंड देन हमने यहाँ पे लिखा पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स माने होते हैं माता पिता, पेरेंट्स माने होते हैं माता पिता। अपने घर में हम बोलते हैं ना, तुम्हारे घर में कितने पेरेंट्स हैं, मतलब कितने लोग रहते हैं, कितने मतलब पेरेंट्स कितने हैं, माता पिता को हम बोलते हैं पेरेंट्स। क्या हम पेरेंट्स का सिंगुलर कर सकते हैं, बताइए, क्या हम पेरेंट्स का सिंगुलर कर सकते हैं, माता पिता, बताइए फटाफट से, क्या हम पेरेंट्स का सिंगुलर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पेरेंट्स का हमारा पेरेंट्स ही रहता है, पेरेंट्स का हमारा पेरेंट्स ही रहता है, ठीक है भाई, पेरेंट्स का हमारा पेरेंट्स ही रहता है। अब हम लिखते हैं पुलिस, क्या लिखते हैं,
पुलिस। पेरेंट्स का हमारा कोई सिंगुलर नहीं होता है, माता पिता तो सभी के होते हैं एंड सबके दो ही होते हैं। एक से अधिक वाली संख्या को हम प्लूरल कहते हैं एंड एक हो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। ठीक है भाई, तो माता पिता या पेरेंट्स आएंगे तो अधिक आएंगे, एक से ज्यादा आएंगे तो दो होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सिंगुलर में चेंज नहीं होगा। अब हम बताते हैं आपको पुलिस, क्या बताते हैं पुलिस। मैंने यहां लिखा पुलिस, PLICE, पुलिस। पुलिस माने होता है भाई पुलिस। क्या हम पुलिस को एक वचन कहेंगे? क्या हम पुलिस को एक वचन कह सकते हैं? क्या हम पुलिस को एक वचन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। पुलिस में भाई हम बोलते हैं वहां पर पुलिस आ गई, तो पुलिस में हमें कंफर्म नहीं है कितने व्यक्ति आए कितने व्यक्ति नहीं आए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? हमको कंफर्म नहीं है कि कितने व्यक्ति आए हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति आए हैं, तो पुलिस जो शब्द है वो हमारा किसमें आएगा? प्लूरल में आएगा। किसमें आएगा? प्लूरल में आएगा। किसमें आएगा? प्लूरल में आएगा। एंड देन जब हम उसका सिंगुलर बनाएंगे तो उसका सिंगुलर बनेगा पुलिस मैन। क्या बनेगा? पुलिस मैन। अगर वह व्यक्ति में आ रहे हैं तो पुलिस मैन हो जाएगा, एंड वो औरत में आ रहे हैं तो पुलिस वुमेन हो जाएगा। हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, पुलिस वुमेन। अब हमको एक तरीके से कंफर्म हो जाएगा, हमने पहले बोला वहां पर पुलिस आ गई। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी पुलिस, मतलब पुलिस में बहुत सारे लोग होंगे, पूरी फुल फोर्स के साथ आई होगी, तभी हमने पुलिस बोला। एंड देन मैम जब बाद में बोला कि वहां पुलिस मैन आ गया, कौन आ गया? पुलिस मैन आ गया या पुलिस वुमेन आ गई? कौन आ गई? पुलिस वुमेन आ गई। तो नॉर्मल सी बात है, इससे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि वह हम सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर की बात हो रही है। हमने अभी आपको बताया प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करना, एंड देन इससे पहले हमने बताया था आपको नाउन के जो मेन वर्ड होते हैं उसको एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। फटाफट से इसे नोट कीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको अब आगे बता दूं। हम इसे रफ करते हैं और आगे का आपको प्रोसेस समझा देते हैं। अभी हमने बोला जब दोनों नाउन अलग अलग होती हैं, ठीक है, जब दोनों नाउन अलग अलग होती हैं, क्या होती हैं? जब दोनों नाउन हमारी अलग अलग होती हैं तब हम नाउन के वन में मेन वर्ब में क्या कर देते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, अब हम आपको बताएंगे जब दो नाउन, ठीक है, जब दो नाउन हो, नाउन एंड प्रीपोजिशन एंड फिर दोबारा से नाउन, तो वह हमारा सिंगुलर रहेगा, उसमें हम एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। नाउन प्रीपोजिशन एंड फिर से नाउन आ जाए तो हमारा उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। तो हम आपको वही समझाएंगे अभी, आपको इसको रफ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब दो नाउन एक समान होते हैं, जब दो नाउन एक समान होते हैं तो उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है भाई, यहाँ पे हम डेफिनेशन भी लिखेंगे। जब दो नाउन हमारे क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जब दो नाउन एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है, एक समान होते हैं, जैसे कि पहले जब दो नाउन एक समान होते हैं तो वह सिंगुलर में ही रहते हैं, वो प्लूरल में चेंज नहीं होते हैं, उसमें एस या ईएस नहीं लगता है।
मैंने लिखा यहाँ नाउन, क्या लिखा है नाउन, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, एंड देन फिर से हमने क्या लिखा यहाँ पे नाउन। तो जब दो नाउन एक समान होते हैं, जैसे कि नाउन और प्रीपोजिशन आ गया, फिर से आ गया नाउन, तो वह हमारे एस या एस ना लग करके सिंगुलर ही रहते हैं। एस या एस ना लगा करके, ठीक है भाई, ना लगा करके वह एक वचन ही रहते हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे। मैंने लिखा डोर टू डोर, क्या लिखा डोर टू डोर, डोर टू डोर। तो भाई ये हमारे एक नाउन डोर हो गया एंड दूसरा भी हमारा नाउन डोर हो गया एंड बीच में हमारा ये प्रीपोजिशन आ गया। क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। तो मैंने अभी क्या बोला, जब दो नाउन एक समान होते हैं तो उसमें एस या ईएस नहीं लगता है, वे खुद में एक सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अभी आपको घुमा फिरा करके कुछ आपका एसएससी में एग्जाम में आ जाए, ठीक है, इसी में एग्जाम में हमारा आ जाए, जैसे कि आप इसमें एग्जाम में आ जाए डोर टू डोर्स कर दिया, ठीक है, डोर टू डोर्स। अगर हमारा एक में एस आ रहा है और दूसरे में भी एस आ रहा है, एक में एस आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, एंड देन दोनों में एस आ रहा है, फिर भी ये गलत होगा। और आपको ऐसे बोल दिया जाए डोर डोर्स टू डोर्स, समझ रहे हैं? तो आपसे बोला जाएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा, और एक लिख दिया जाए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, None of these, यानी कि आपको इसमें से एक सही बताना है, कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, none of these, ठीक है, none of these, ये खुद में ही सेम यही रहेगा। ठीक है, अब हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज आफ्टर पेज, ठीक है भाई, पेज आफ्टर पेज, पेज हमारा हो गया नाउन एंड आफ्टर हमारा हो गया प्रीपोजिशन एंड देन फिर से हमारा पेज क्या हो गया नाउन हो गया, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वही पेज आफ्टर पेज, क्या होगा, सॉरी पेजेस आफ्टर पेजेस आएगा, तब हम इसका पेज आफ्टर पेज कर देंगे, पेज आफ्टर पेज, ठीक है, पेज आफ्टर पेज कर देंगे, बट हम इसका पेजेस आफ्टर पेजेस का पेज आफ्टर पेज कर देंगे। अगर आपके आंसर सीट में आ रहा है पेज पेजेस आफ्टर एंड यहां पे हमारा एक दे दिया पेज, या तो हमारा समान में एस या ईएस आना चाहिए, एक नाउन में ऐसे इसमें आ रहा है पेजेस एंड इसमें भी आ रहा है पेजेस, तो ये राइट है, ठीक है। अब हमारा दे रहा है पेज आफ्टर पेज, ये भी राइट है, ठीक है। अब आप ये बताइए इसमें पेज पेजेस दे रखा, इसमें आफ्टर दे रखा प्रीपोजिशन एंड इसमें पेजेस, तो ये अलग से ही दिख रहा है कि ये हमारा रॉन्ग आंसर है। फटाफट से इसे नोट कीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे रफ करके आपको आगे बता दूं। अब हम इसकी एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे बोला टॉम्स, क्या बोला मैंने यहाँ पे टॉम्स, टॉम्स आफ्टर टॉम्स, ठीक है,
टॉम्स आफ्टर टॉम्स, तो इसका हम टॉम आफ्टर टॉम कर देंगे, टॉम आफ्टर टॉम कर देंगे, बट हम इसका टॉम, ये हमारा टॉम्स आफ्टर का हमने टॉम आफ्टर कर दिया, तो ये राइट हो सकता है, क्योंकि हमारे जो दो एक नाउन है, मतलब दो नाउन है, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। देखो भाई, टॉम्स इसमें ऐसी आई एस आ गया, ये प्लूरल का हो गया, आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन हो गया, एंड फिर से हमने टॉम्स लिखा, तो टॉम्स हमारा फिर से हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये राइट है, बट ये प्लूरल में जा रहा है। किसमें जा रहा है? प्लूरल में जा रहा है। ठीक है भाई, किसमें जा रहा है? ये हमारा प्लूरल में जा रहा है। एंड अगर हमने इसका किया टॉम्स आफ्टर टॉम्स, टॉम्स आफ्टर टॉम्स, ये सही है। एंड हमारा इसका टॉम आफ्टर टॉम हो गया, ये भी इसका सही है। अगर हमारा यहाँ पर लास्ट बार देखो, अगर हमारा यहाँ पे टॉम्स आफ्टर टॉम्स आफ्टर टॉम आ जाता, तो भाई देखो, जब दो नाउन एक समान होते हैं तब उसमें ऐसे एएस का प्रयोग नहीं होता है, एंड जब दोनों में ऐसे एएस आ रहा है तो उसको हमें ढंग से देखना है। या तो हमारा दोनों में एस आना, ऐसे एएस आना चाहिए, या हमारा दोनों में कुछ ही नहीं आना चाहिए। अब एक में हमारा एस दे रखा है, एक में हमारा सिंगुलर कर दिया है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज नॉट राइट राइट आंसर। ठीक है, इसी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे हम इसी में। मैंने देखा डे बाय डे, डे बाय डे, ठीक है। अब डे बाय डे का हम कायदे से बताएं तो डे बाय डे का हम डेज बाय डे कर सकते हैं। हमने यहां तीन चीज लिखी, पहले डेज बाय डेज, डेज बाय डेज कर दिया। एक और देखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे डेज बाय और डे, एक और हमने लिख दिया यहाँ पे डे बाय डेज। ठीक है, तो अब हमें इसमें से राइट आंसर बताना है। क्या बताना है? इसमें हमें राइट आंसर बताना है। डे बाय डे का हमारा डे बाय डे, डे वाइज डे सही हो सकता है, हो सकता नहीं है, सही है, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है, ऐसा आ रहा है, इसमें भी ऐसा आ रहा है, तो दिस इज राइट आंसर। एंड देन अगर हम आपको बोलें, एक में बोल दिया डेज एंड एक में कुछ नहीं है, एक में डे है, तो ये गलत है। समान होना चाहिए दोनों का, एक समान होना चाहिए, तो ये भी गलत और ये भी गलत है। ये सही है और हमारा ये सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों में हमारा एस एस आ रहा है। फटाफट से इसे नोट कीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने आपको नाउन से रिलेटेड प्रीपोजिशन वगैरह बता दिया है, ये सब हमने आपको समझाया अच्छे तरीके से। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। अगर आप अभी से बेसिक क्लियर करेंगे तो आपको आगे तक अच्छे तरीके से याद रहेगा, और अभी आप लापरवाही कर देंगे तो आपको कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया नाउन, जब हमारे दो नाउन अलग अलग होते हैं तो हमारा नाउन के मेन वर्ब में एस आई एस जुड़ जाता है, एंड जब हमारे दोनों नाउन सेम होते हैं, से नाउन प्रीपोजिशन फिर से नाउन, तो इसमें हमारा एस लग सकता है, बट एक में एस आ रहा है एक में एस नहीं आ रहा है, तो ये गलत आंसर है। आपको अगर एग्जाम में दे दिया जाए, एक में एस दे दिया और एक में एस नहीं दिया और दोनों में एस एस दे दिया, तो भाई दोनों में एस एस वाला हम करेक्ट पे राइट करके आएंगे, बट एक में एस है और एक में एस नहीं है, तो ये हमारा गलत है। इस पे आपको भूल के भी निशान नहीं, टिक नहीं लगाना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ और डीपली जा करके। मैं बोलूँ ए बॉय, मैंने बोला ए बॉय, ठीक है, ए माने एक और बॉय माने लड़का, एक लड़का, समझ में आ रहा है? एक लड़का, ए बॉय एक लड़का। मैं बोलूँ टू बॉयज, टू बॉयज। अब मैं बोलूँ टू में हमारा बॉयज आएगा या सिर्फ बॉय आएगा, बताइए। अब मैं बोल दू टू बॉयज, पहले मैंने बोला टू बॉयज एंड फिर मैंने ब्रैकेट करके बॉय भी लिख दिया, तो
तो आप किस पे राइट आंसर लगा के आओगे, बॉय पे या बॉयज पे? किस पे? बॉय पे या बॉयज पे, बताइए जल्दी से। हम लगा के आएंगे बॉयज पे, क्योंकि टू एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वो किस में जा रहा है, बहुवचन में जा रहा है। एंड टू के साथ जब बॉय लिखेंगे तो ये गलत लग रहा है, एंड जब हम टू के साथ टू बॉयज बोलेंगे तो ये सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो उसी को देखेंगे फटाफट से, हम यहाँ पे उन्हीं सब चीजों को देखेंगे। इसे हम सबको यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ रफ कर देते हैं एंड आगे का देखते हैं, आगे का और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, और हम आपको समझाने की भी अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। मैंने लिखा, मैंने अभी आपको बोला, ए बॉय, ए बॉय, ए बॉय, ठीक है, पेपर में आया आपके ए बॉय, एंड उसमें आपको ए बॉय से रिलेटेड आपको इसमें आंसर दे रखे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं, उसके आंसर दे रखे हैं। मैंने देखा ए बॉय, तो उसमें आ रहा है ए बॉय, ए बॉयज, तो आप किस पे टिक लगा के आएंगे, आप किस पे टिक लगा के आएंगे भाई? नॉर्मल सी बात है, ए हमारा क्या है, सिंगुलर है, और बॉय हमारा एक लड़का, यानी कि एक लड़का, एक लड़का, एंड यहाँ हमारा आ रहा है ए बॉयज, क्या आ रहा है, ए बॉयज, तो ये अपने आप ही दिख रहा है, अलग से ही दिख रहा है कि ये ए बॉयज गलत है, क्योंकि एस या ईएस का प्रयोग हमारा प्लूरल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्लूरल में किया जाता है। ए बॉय इज करेक्ट आंसर एंड ए बॉयज इज रॉन्ग आंसर। मैं लिखूं ए गुड बॉय, यहां पे मैं लिखूं ए ए गुड बॉय, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए गुड बॉय, तो इसका हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। अभी आपको चॉइस में दे दिया कि आप राइट पे टिक टिक लगा के आइए, इसमें दे दिया ए गुड्स बॉय एंड इसमें दे दिया ए गुड बॉयज एंड लास्ट में दे दिया ए गुड बॉय, ठीक है, ए गुड्स बॉय, ए गुड बॉयज, ए गुड बॉयज एंड ए गुड बॉय। देखो भाई, ए में अगर गुड भी आ रहा है तो भी वह एक वचन ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें आगे आपको बार बार बोल रहा है ए गुड बॉय, एक इसमें बोला ए बॉय, एक लड़का, एंड इसमें बोल रहा है ए गुड बॉय, यानी एक बहुत अच्छा लड़का, बहुत नहीं, एक अच्छा लड़का, ठीक है, एक अच्छा लड़का, तो ए गुड्स बॉय गलत है भाई, गुड्स मतलब अच्छे होगा, एक अच्छे लड़का नहीं, बोलने में अजीब लग रहा है, इसमें बोलेंगे एक अच्छा लड़के गलत है, एक अच्छा लड़के गलत है। मैं प्रॉपर फिक्स टाइप में बोलूं ए गुड बॉय, ए बॉय हो गया एक लड़का, एंड उसमें गुड हमारा हो गया उसकी अच्छाई, क्या हो गई, उसकी अच्छाई, फिर भी ये हमारा राइट आंसर जाएगा क्योंकि एक ही बात हो रही है। अभी यहाँ पे बोल दिया जाए, ये हमारी अभी ए से रिलेटेड बातें हो रही हैं, यहाँ पे बोल दिया जाए टू डॉक्टर, टू डॉक्टर्स, क्या बोल दिया जाए, टू डॉक्टर्स। अब आप में आपको इसी में बहुत सारी चॉइस देने को दे दिया है, आपको सही पे टिक लगाना है, किस पे लगाना है, सही पे टिक लगाना है, सही से समझना है, सही पे टिक लगाना है। इसमें दे दिया ए डॉक्टर, इसमें दे दिया आपको दूसरे में टू डॉक्टर, एंड एक में हमारा फिर से वही दे दिया टू डॉक्टर्स, ठीक है, इसको हमें समझना है, इसको हमें अच्छे तरीके से समझाना है आपको, और आपको ये अच्छे तरीके से समझना है। इसमें ए आ रहा था, ए का मतलब होता है एक, और वन का मतलब भी होता है एक,
ए का मतलब भी ए होता है, एक होता है, और वन का मतलब भी एक होता है, ये बात आप ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आपको पहले से ही दिया बोला जा रहा है टू डॉक्टर्स, यानी कि दो डॉक्टर, एक नहीं है वो दो है, कितने हैं? दो है। और इसमें आपको दे दिया, यहाँ पे लिख दिया ए डॉक्टर, क्या दे दिया? ए डॉक्टर, तो ये हमारा गलत है। वहां पे अभी सिंगुलर की बात हो रही थी, तो यहाँ पे अब प्लूरल की बात हो रही है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है टू डॉक्टर, यानी कि दो डॉक्टर। ठीक है, टू डॉक्टर, एक से ज्यादा की बात हो रही है, टू डॉक्टर, तो ये भी सही हो जाएगा। एंड अगर टू डॉक्टर्स भी है तो ये भी राइट हो जाएगा। इसमें हमारा टू डॉक्टर मतलब दो ही डॉक्टर आएंगे, टू डॉक्टर्स उसमें भी दो डॉक्टर्स आएंगे। ठीक है भाई, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसे रफ करूंगी, फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं ऐसे रफ करके आपको आगे कुछ और एग्जांपल दे दूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड। अब हम आपको यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और देंगे, वो थोड़े अलग हैं। ठीक है, वो थोड़े बहुत अलग हैं। ठीक है, पहले हम इसको रफ कर देते हैं अच्छे तरीके से। ये हमने रफ कर दिया। मैं बोलू मैं बोल दू यहाँ पे फाइव स्टार, फाइव स्टार, एंड यह स्टार्स कर दूं, फाइव स्टार लिखा मैंने, फिर स्टार्स कर दूं, एंड यहां मैंने लिखा होटल, फाइव स्टार होटल, फाइव स्टार लगाया एंड स्टार्स एंड होटल। ठीक है, अब आपको इसमें राइट आंसर देखना है क्या आएगा, फाइव स्टार होटल या स्टार्स होटल। फाइव माने होता है पांच, स्टार मतलब सितारा, और स्टार्स मतलब सितारे, एंड होटल मतलब होटल, होटल जहाँ हम रहते हैं, रहने की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो भाई इसमें फाइव स्टार होटल बोला जाएगा या फाइव स्टार्स होटल बोला जाएगा, बताइए? फाइव स्टार होटल बोला जाएगा या फाइव स्टार्स होटल बोला जाएगा, फटाफट से बताइए मुझे। इसमें हमारा फाइव फाइव के साथ हम क्या लगाएंगे, पांच सितारे वाला होटल, तो फाइव स्टार्स होटल आएगा, फाइव स्टार नहीं आएगा, फाइव स्टार्स आएगा एंड होटल, फाइव स्टार्स होटल। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक और बताते हैं हम यहाँ पे, मैं बोलूं यहाँ पे वन टेन, वन टेन और नोट या नोट्स, वन टेन नोट या नोट्स। अब आपको इसमें से एक एक पे करेक्ट आंसर लगाना है, एक पे टिक लगाना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। वन बोले तो एक, टेन मतलब बोले तो दस, नोट बोले तो वन टेन रुपीज नोट आएगा। मैंने यहाँ पे रुपीज नहीं लगाया है, पूरा नहीं लिख पाई मैं, वन टेन रुपी या रुपीज, एंड देन नोट या नोट्स। ठीक है, अब ये करेक्ट है हमारा, अब देखेंगे हम इसको। ठीक है, अब अच्छे तरीके से समझेंगे। वन माने क्या होता है, एक, टेन माने दस, रुपी मतलब रुपया, एंड रुपीज मतलब रुपए, क्या? रुपए रुपए। ठीक है, नोट मतलब नोट, और नोट्स मतलब
बहुत सारे नोट, तो यहाँ लिखेंगे बहुत सारे नोट, ठीक है भाई। वन माने एक, टेन माने दस, रुपी माने रुपया, रुपीज माने रुपए, एंड नोट माने नोट, एंड नोट्स माने बहुत सारे नोट, बहुत सारे नोट्स। अब हमें इसमें रुपीज में से भी राइट पे आंसर लगाना है एंड नोट में भी राइट पे आंसर लगाना है, ठीक है भाई। सोच समझ के लगाएंगे, हमें बिल्कुल ऐसे ही इसी टाइप के रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, घुमाने फिराने वाले, उसी में हमें आंसर देना है। वन मतलब एक, यहाँ पे एक की बात हो रही है, एक दस रुपया, रुपीज नहीं आएगा, रुपया, क्योंकि ऑलरेडी वन से रिलेटेड बात आ रही है, तो रुपया, रुपया, रुपी, रुपी इज राइट आंसर एंड रुपीज इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो वन टेन यानी कि एक दस रुपए, रुपया का नोट, क्या दस रुपया का नोट, तो नोट्स भी गलत है, नोट सही है। इसका राइट बनाते हैं हम पूरा, वन टेन रुपी नोट। मैंने बोला आई हैव वन टेन रुपी नोट, यानी कि मेरे पास एक दस रुपया का नोट है, ठीक है भाई, मेरे पास एक दस रुपया का नोट है, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल में, ठीक है भाई। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।